नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज आपको बताऊंगा, आप जो राजस्थान में चल रहे देसी अंग्रेजी शराब के ठेकों के लिए जो नीलामी का प्रोसेस है वो कैसे होता है, आप ऑनलाइन कैसे नीलामी में भाग ले सकते हैं, कैसे आप उस बोली में एंट्री करते हैं, उसके संबंध में जिसके लिए सबसे पहले आपको राज एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें एंट्री गेट SSEA इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको लॉगिन करना है, फिर आपको जाना है पंजीकरण एवं ई नीलामी में भाग लेवे, जिन्होंने पहले पंजीकरण कर रखा है और अब आज उनकी नीलामी की डेट है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपके रजिस्ट्रेशन किया हुआ नंबर है वो लगाए, उसके संबंधित पासवर्ड लगाए। लगाने के बाद में कैप्चा लगाए, सबमिट करते हुए। सबमिट करने के बाद में ये सिस्टम खुलेगा पूरा। ये खुलने के बाद में आपको लाइव नीलामी पे जाना होगा। लाइव नीलामी के बाद में आपके ये ऑप्शन खुलेगा जो कि सामने दिख रहा है, MSTC। जो भी जहाँ से आपने अप्लाई किया उस जिले का नाम और डेट वगैरह, वो लॉटरी क्रमांक वगैरह आएंगे, उस पे आप क्लिक करना। ये हाईलाइट लिंक रहेगा, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके ये नीलामी की डिटेल आ जाएगी। इसमें दोस्तों आपको सीधा सा प्रोसेस करना है, ये सिस्टम यही खुलेगा, इसमें लॉट नंबर वगैरह सारा डिटेल आ जाएगा। केवल ये आपका आपकी बोली ये ऑप्शन खुला होगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें आपकी जो भी राशि लगती है, प्रारंभिक दर होती है, उससे जो प्रारंभिक दर होती है उसमें 5,000 बढ़त से आप नीलामी में भाग लेते हैं, लेकिन अंतिम बोली जो होगी उस बोली से आपको 5,000 बढ़ा के लगाने होंगे, तभी आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ये पूरे दिन बोली का प्रोसेस चलता है। उसके लिए यहाँ पे आपको जो भी राशि होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से एक पूरी नीचे इसी तरह एक पट्टी आएगी, उसमें आपको यहाँ पे राशि डालनी होगी और ये BID मतलब बीड बोली, इस पे आपको क्लिक करना होगा और ये वापस कंफर्मेशन के लिए मैसेज आया, उसमें यस करके ओके कर दिया, सेव कर दिया, तो आपकी बोली फाइनल हो रही है सेव। सेव होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो जितनी बोलियां लगी है उनका विवरण आएगा और एक नीचे आएगा आप बोली में टॉप में है या नहीं है, मतलब आपकी अधिकतम बोली जिसकी लगी है उसमें आप है या नहीं है। अगर आप बोली लगा रहे हैं और अधिकतम में आप नहीं है तो आप पीछे हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पीछे रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्वर की ये इसमें जो समय दे रखा है, जैसे कि अभी का टाइम है, तो बोली के समय ये समय आप मिलान करते जाए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, इसी के आधार पे बोलियां लगती है। आप यहाँ का टाइम गलत देख रहे हैं और अपने लैपटॉप में गलत देख रहे हैं तो आप बोली में पीछे रह सकते हैं। चलो ठीक है, बोली की अंतिम तारीख तक, अंतिम समय जहां पे भी होता है वहां पे बोली एंड होती है, सुबह शुरू होती है शाम तक चलती है, जितना समय दे रखा है मतलब सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बोली चलती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। पूरे दिन बोली लगती है, लेकिन जो अंतिम बोली होती है, अंतिम बोली भी फाइनल होती है, वो जो 4 बजे लगती है। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।